ये दोस्तों एक हम इलाके में आए हुए हैं यहाँ पे अपने करीबी, यहाँ पे तितरों का वो है फार्म है, देखें तितरों के बच्चों का माशाल्लाह कितना बेबहा तितरी तितर है। ये दोस्तों चूज़ों को सारों को बाहर निकाल दिया है, चूज़ों को इनको भी मैंने बाहर निकाल दिया था। कल ये 7 बच्चे थे, ठीक है, 1 2 3 4 5, अब ये 5 रह गए। अभी थोड़ी देर पहले एक कौवा आया यहाँ से ना, यानी कि मैं बाहर अंदर बरामदे में वहाँ चूज़ों को निकालने के लिए गया होता, यहाँ पे अभी आया है वो, उसने यानी कि बच्चे को उठाया यहाँ से और खुद हो गया। यहाँ से उड़ उठा के वो सामने उन दरख्तों के ऊपर जाके बैठा हुआ बैठा, वहाँ जाके उन्होंने खाया। तो फिर मैंने वहाँ से इसको दोबारा इसको सारों को बच्चों को पकड़े, पकड़ने के बाद इनको केज में बंद किया। यहाँ पे मैंने कहा यही ना हो कि इनको कोई मज़ीद कोई दूसरा उठा के ले जाए। ये देखिए जी दोस्तों, एक हमारा बच्चा कल उठा के ले गया कौवा, एक बच्चा आज उठा के ले गया। कौवों ने बड़ा परेशान किया हुआ है, कौवों का कोई हमें इंतज़ाम करना पड़ेगा। कोई कौवा वगैरह मार के उसको यहाँ पे लटकाते हैं हम ऊपरली साइड पे ना, ताकि यहाँ पे कौवा जो भी है ना वो आने से यहाँ पे डरे, यहाँ पे ना आए। देखते हैं कोई ऐसा निज़ाम इसका करना पड़ेगा, क्योंकि वरना बच्चे तो हमारे पास छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे हैं और ना सारे ऐसे ऐसे सारे खा जाएंगे ये। तो रैबिट्स हमारे बाहर आए हुए हैं, ये सारे यानी कि जो पत्ते वगैरह वो खाने की कोशिश करें, इनको यहाँ से भगाते हैं वरना ये सारा कबाड़ा कर देंगे। ये देखे जी, और उस साइड पे वहाँ से गनोफाल आके वो भी यहाँ से इनको पत्तों को खा रही थी। इनका यहाँ पे हमें कोई पक्का इंतज़ाम करना पड़ेगा, वरना ये तो सारे तकरीबन यहाँ से खा जाएंगे। ये देखे अब उनको बगाया तो चूज़े आ गए। हमारा सारा दिन इसी मसरूफियात में गुजर जाते हैं, कभी उधर भाग कभी इधर भाग कभी उधर भाग, बस क्या करें। लेकिन शौक़ जो है ना वो शौक़ तो हम पूरा कर रहे हैं ना अपना। दोस्तों खुशी की बात यह है कि कल परसों हमने ये पेड़ा लगाया, ये लगाया, ये लगाया, लेकिन रात हमने ये वाला लगाया, ठीक है, रात ये लगाया। और इसके अलावा ना आगे ये एक शहतूत ठहरा हुआ है, यहाँ पे शहतूत लगाया है और आगे 4-5 पौधे मज़ीद आगे लगाए हैं। तो दोस्तों जब से हमने ये अपना मिनी ज़ू का काम स्टार्ट किया हमें 2 मंथ हो गए हैं। तो 2 मंथ के अंदर हम ऐसा 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 इसमें बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा मिनी ज़ू होगा उतना प्यारा लगेगा और उतने ही ज़्यादा हमारे पास व्यूज़ आएंगे और उतने ही ज़्यादा हमारा एक इससे इनकम सोर्स होगा। मेन तो इनकम सोर्स है ना, इनकम सोर्स भी है शौक भी है। तो जब मैंने ये मिनी ज़ू का यहाँ पे अपना मिनी ज़ू सेटअप का काम शुरू किया था, ये सारा ऐसे ऊंची नीची ऐसे सारे काफ़ी बेतरतीबी जगह थी। तो मैंने यहाँ से सबसे पहले यानी कि यहाँ पर दीवार डलवाई, वो प्लाट बहुत ज़्यादा ऊंचा था, वहाँ पे उसके अंदर जो मिट्टी वगैरह यहाँ पे ऐसे ऊंची नीची जगह थी, सारों मिट्टी को पाड़ के यहाँ पे गिरवाया, ताकि वो ऊपर वाले जो स्टेप है ना वो बेहतर हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। वो बराबर होने के बाद फिर हमने वो पिंजरे बनवाए, फिर वो वाले पिंजरे बनवाए, फिर उसके बाद ये पिंजरे बनवाए, ये यानी कि सारा सिस्टम यहाँ से ओके किया। और फिर इसके बाद ना ये जो दीवार का काम है, ये दीवार का काम मुकम्मल किया। फिर इसके बाद यानी कि हम गमले वगैरह काफ़ी ज़्यादा हमारे पास पड़े हुए थे, ये गमले वगैरह लगा के यहाँ पे एडजस्ट किए, इनके अंदर पौधे वगैरह लगाए, ठीक है। पौधे वगैरह लगाने के बाद जो हमने रात काम परसों चौथ हमने ये पौधे ये लगाए थे, ठीक है। फिर यहाँ पर क्यारी वगैरह बनाई, ताकि यहाँ पर ना ये मज़ीद इसके अंदर पौधे वगैरह लगा सकें। ये देखें कैसे इसको सब्ज़े को फाड़ रहे हैं, खा रहे हैं, ये रोकते भी हैं इनको फिर, लेकिन नहीं रुकते ये। चलो खैर, अच्छा ये हमने फिर गुलदाउदी वाले सारे पौधे यहाँ पे लगाए, पौधे लगाने के बाद गमले वगैरह सारे यहाँ पे एडजस्ट किए। तो रात हमने जो काम किया यहाँ पे, एक ये पौधा लगाया शहतूत का, देखें कितना बड़ा है, ठीक है। शहतूत के बाद हमने ये वाला लगाया, ये आड़ू है, ये भी आड़ू है, और जो आगे वाला है वो भी आड़ू है, ये मेरे ख्याल में खुरमानी वगैरह है, खुरमानी के बाद ये वाला नींबू वगैरह है। ये देखें ये नींबू वगैरह, आड़ू हो गया, एक आड़ू हो गया, खुरमानी होगी, एक आखिर में इनके मेरे ख्याल में बादाम वगैरह कुछ ऐसे स्टेप हैं। तो दोस्तों आपसे गुजारिश ये है कि हमारे चैनल को जब आप विज़िट करें तो इसमें एक तो सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, ताकि हम व्यूज़ के चक्कर में आके आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो वगैरह बना सकें। इस साइड पर यानी कि अभी रमज़ान शरीफ की वजह से हमारे पास कोई मिस्त्री ऐसा नहीं मिल रहा, ऊपर से ईद आ गई है, तो जिसकी वजह से ना हम इसकी यानी कि जालियाँ वगैरह नहीं लगा पा रहे,
तो इंशाल्लाह इसको भी ईद के बाद जालियाँ वगैरह लगाएंगे। तो यहाँ पे ग्रासिंग वगैरह का निज़ाम कर रहा हूँ, वो दीवार ऊपर हो जाएगी। ये सारा जो हमारा यहाँ का सिस्टम है ना मिनी जू का, बहुत प्यारा होने वाला है। वो अभी सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट से, आप हमें जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम आपके लिए ये मिनी जू का काम करते रहेंगे, इसको खूबसूरत से खूबसूरत बनाते रहेंगे। ये दोस्तों हमारे साथ अभी कोई अजीब चक्कर बना हुआ है, ये कुड़ खो के अंडों के ऊपर बैठी हुई थी, ठीक है, अंडों के ऊपर। ये आज ये सुबह उठी है अंडों से, तो यहाँ आके बैठ गई है। ये अंडे इसके हालांकि इसके अंदर अंडे इसके अंदर पड़े हुए हैं, ये यहाँ पे आके बैठी हुई है। पता नहीं इसका कुड़ जो है वो ख़त्म हो गया है या क्या मसला मसायल है, तो पता नहीं क्या है इसके, यानी कि कोई समझ नहीं आ रही। तो इसको यानी कि कोई आ जाएगा पर वगैरह उसको दिखाते हैं कि अंदर कुड़क पे बैठी हुई थी, वहाँ से निकल के यहाँ पे आगे बैठ गई है। लेकिन इसकी ये जो जगह है ना, ये इसकी वो जगह है जहाँ पे ये इसने मुकम्मल तकरीबन 14-15 अंडे दिए हैं हमें, ये इस जगह पे आकर बैठ गई है। या तो फिर ऐसा हुआ है कि ये बाहर निकली है और भूल गई अंदर नहीं जा सके, तो ऐसा कोई सिस्टम हुआ है। तो कोशिश करता हूँ इसको उठा के, तो दोबारा अंडों के ऊपर वहीं पर बैठा के आता हूँ इसको, या तो फिर इसका ऐसा कोई अंडे वगैरह का सीन है वो यहीं पर रखना पड़ेगा हमें। ये पैनाडोल वाला हल्का सा पानी के अंदर पैनाडोल डाल के मैंने रखी हुई है, बाजा वगैरह भी रखा हुआ है, ताकि यहीं पे खाए यहीं पे रहें। ये अगर इनको थोड़ी देर के लिए बाहर निकालेंगे तो सर के ऊपर इनके ठहरना पड़ेगा हमें, ताकि इसको कोई कौवा वगैरह ना ले गया। पहले एक कौवा कल ले गया, एक आज ले गया, हमें तो बहुत अफसोस हुआ हुआ इस चीज़ का कि यार हम इतनी मेहनत से यानी कि इनकी केयर वगैरह करें, कौवे आते हैं उठा के भाग जाते हैं। ये तो ज़्यादती है जी हमारे साथ। और इस साइड पर देखें, रैबिट्स के बच्चे अभी तक कोई बाहर नहीं निकला हुआ, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं बाहर आया तो सारे बाहर आए हुए थे। ये दोस्तों कुंजू ने अभी तक हमें कोई यानी कि ऐसा कोई ना बच्चा वगैरह, सॉरी अंडा वगैरह नहीं दिया। पता नहीं यहाँ पे क्या इनको क्या मसला मसाइल है। इनका हक तो बनता है कि अब तक ये अंडा वगैरह यहाँ पर कोई दे देते हमें, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई अंडा वगैरह नहीं दिया। शायद ये इस साल ना भी दे सके, अगले साल दें। तो जैसे यानी कि अब हमारे यहाँ की कोई सेटिंग वाइटिंग बनती है ना, तो इनके लिए हम अलग से केज बनाएंगे, अलग से केज बना के उसी के अंदर इनको हम छोड़ देंगे। इनके हम यानी कि अंडे नेचुरल इनको माहौल देंगे, नेचुरल माहौल से ये है कि शायद ये में भी हमें अंडे वगैरह देना शुरू कर दें। ये दोस्तों एक हम इलाके में आए हुए हैं यहाँ पर अपने करीबी, यहाँ पर तित्रों का वो है फार्म है, देखें तित्रों के बच्चों का माशाल्लाह कितना बेबहा तितर ही तितर है। ये साइड पे सारा तितर और उस साइड पे भी यानी कि तितर वगैरह फिर रहे। तीन साइज़ हैं, यानी कि एक ये साइज़ है, एक आगे वाला साइज़ हो गया, ये मज़ीद 19-20 उससे बड़े वाला साइज़ है, ये छोटा है, ये से बड़े वाला साइज़ है। दोस्तों जहाँ पे जिस जगह हम ठहर रहे हैं ना, भट्टी यहाँ पे लगी हुई है, देखिए जी ये भट्टी बाली हुई है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेक है, बहुत ज़्यादा यानी कि ना हीट के अंदर यानी कि टेम्परेचर है वहाँ पे रखा हुआ है। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा। देख रहे हैं कितना चूज़ा, बेबहा चूज़ा। बहुत ज़्यादा सेक है, देखिए पसीना आ गया यहाँ पे जितने जहाँ जिस जगह पे हम ठहरे हैं। ये दोस्तों सुबह हमारे पास ना ये 5 बच्चे बच चुके थे ना, 1, 2, 3, 4, 5। तो दोपहर में ताहा ने मज़ीद यानी कि बच्चे लेके इसमें डाल दिए हैं, ये सामने आ रहा है ताहा, ताहा ने दोपहर इसमें यानी कि डाले हैं 5-6 बच्चे और एक बड़े वाला बच्चा, बड़े वाला ये वाला जो गोल्डन के साथ के है ना, ये वाला, ये बच्चे इसने गोल्डन के साथ के एक ये लिए और 6 ये लिए। तो सुबह हमारा एक बच्चा तो कौवा उठा के ले गया था, अब हमारे पास यानी कि ना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे 60-65 बच्चे हो चुके हैं, 60-65, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे सारे बच जाएंगे। हैं ताहा सारे बच जाएंगे हैं? ये तेरे बच्चे किसी को दे दूँ मैं उठा के? नहीं दूँ हैं?
ना दो। अच्छा ये कह रहे किसी को नहीं देने, मेरे राजा सा चल कोई आएगा यहाँ पे सब्सक्राइबर हमारा गिफ्ट लेने के लिए तो हम उसको दे देंगे, लेकिन ये कह रहे किसी को नहीं देने। तो अच्छा दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल आपको न्यू वीडियो में न्यू व्लॉग में। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो फुल वॉच किया करें। मिलते हैं आपको कल न्यू व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। तीन और तीन से सात आठ नौ दस, ये हो गए दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस।